अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है शादी की दावत। हमने पिछले दिनों जो शादी अटेंड की थी उस कपल को, हमने तमाम घर वालों को दावत पे बुलाया था क्योंकि रमज़ान आ रहा था, तो सोचा पहले ही दावत कर ली जाए। कि तमाम सामान जो है वो दावत का आ चुका है, अब हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे और कटिंग्स वगैरह, क्योंकि दावत जो है उसमें काफ़ी कुछ बनता है तो काफ़ी टाइम लगता है, सुबह से लेके शाम हो जाती है और तब जाके सारा कुछ रेडी होता है। ये हमारी बाजी जो हैं वो कटिंग कर रही हैं और ये कुछ चीज़ें कट चुकी हैं और हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है मैक्रोनीज़ के लिए और नूडल्स के लिए, चिकन बॉयल किया और राइस बॉयल किए, ये तमाम चीज़ें जो है प्रेपरेशन जो है वो जारी हैं। अब खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है और गेस्ट आने से पहले हमने तमाम बर्तन जो हैं वो साफ़ करके उनको टेबल पे सेट कर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेहमानों को दे सकें और टाइम की बचत हो सके। आप भी हमेशा ऐसे ही किया करें कि जब दावत हो तो टेबल पहले ही सेट कर लें, उसके बाद उनको किसी कपड़े से या जाली से ढांप दें ताकि मिट्टी और मक्खियाँ वगैरह ऊपर ना बैठें। तो ये टेबल हमने सेट कर दिया था, गेस्ट थोड़ा लेट आए थे तो सोचा आपके लिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ, मेरे पास टाइम था। ये खाना भी हमने उनके आने से पहले सेट कर लिया था, हमने बनाए थे शामी कबाब चिकन के, चिकन कढ़ाई थी, मैक्रोनीज थी, ये मटन कीमा था, मटर डाल के बनाया था, फ्रूट सैलड था, राइस थे, बॉटल्स थी, रायता था, नान थे और इसके अलावा हमने स्वीट डिश में कस्टर्ड बनाया था फ्रूट्स डाल के और तीन तरह की हमने जेलीज डाली थी। उसका क्लिप मैं नहीं शूट कर सकी क्योंकि हमने बाद में रखा था, मुझे याद भूल गया। और ये हमने अलहदा टेबल बच्चों के लिए सेट किया था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही शानदार दावत थी। गेस्ट हमारे लिए मिठाई लेके आई थी जो बहुत ही मज़े की थी। आज की वीडियो बस यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।